सबसे पहले तो आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज जो फिल्म की शुरुआत होने जा रही है, निरोवा चला लंदन और हनुमान की गली में, इन दोनों फिल्मों के जो निर्माता हैं हमारे राम बाबू जी, और जो इसके निर्देशक हैं वो हमारे सोनू भाई खत्री जी हैं, जिन्होंने पहले मुझे ले कर फिल्म बनाई थी निरोवा चला लंदन। और अब उन्होंने कहा कि जहाँ वो फिल्म पहुँची थी, अब उसके आगे की कहानी टू में बनाएंगे। तो हमने कहा अच्छी बात है, चलिए बनाते हैं। तो उसकी आज शुरुआत हुई है, आप सब आए हैं, सबका आशीर्वाद प्यार मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग अच्छी फिल्म बना पाएंगे। और हमारे राजकुमार पांडे सर आज उपस्थित हैं हम लोग के साथ में, इनका आशीर्वाद प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है। और इनके साथ मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, तो इनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। मुन्ना भैया हैं, देव जी हैं, और कुंदन जी हैं। तो आप लोग बस आशीर्वाद प्यार दीजिए कि हम लोग अच्छी फिल्म बनाने में सफल हों। मैं भी हूँ। आप भी हो जी? हाँ। और आम्रपाली दुबे जी, जो निरहुआ चला लंदन में हीरोइन थी, और इनके पिताजी लेके चले गए इनको लंदन, और फिर मैं पहुँच तो गया हूँ, अब वहाँ से लेके कैसे आऊँगा, यही है हमारी फिल्म की कहानी, है ना सोनू भाई? तो उसके बीच में बहुत सारी बाधाएं हैं, अब उसको पार करके। और आम्रपाली जी बड़ा अच्छा उसमें एक गाना गाती हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि आम्रपाली जी वही दो लाइन सुना दें जो आप अपने सहेलियों के साथ में लंदन में गाती हैं। तो यहीं से शुरुआत हो जाएगी। वहाँ तो छठ भी मना दिया है। हाँ, लंदन में जाके थेम्स नदी पे छठ पूजा करके आई हूँ मैं। गाना ना जी। याद नहीं है मुझे। सात समुंदर। हाँ, exactly. Thank you so much. Thank you. आम्रपाली जी भी यही कहना चाह रही थी। हाँ। और आपने इनके मन की बात कह दी। सात समुंदर परवा से मोर यरवा यहीं रे सखिया, यरवा यहीं रे सखिया, अब विदा करावे निरहु मोर जोड़ीदार। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज जो फिल्म की शुरुआत होने जा रही है, निरोवा चला लंदन और हनुमान की गली में, इन दोनों फिल्मों के जो निर्माता हैं हमारे राम बाबू जी, और जो इसके निर्देशक हैं वो हमारे सोनू भाई खत्री जी हैं, जिन्होंने पहले मुझे ले कर फिल्म बनाई थी निरहुआ चला लंदन। और अब उन्होंने कहा कि जहाँ वो फिल्म पहुँची थी, अब उसके आगे की कहानी टू में बनाएंगे। तो हमने कहा अच्छी बात है, चलिए बनाते हैं। तो उसकी आज शुरुआत हुई है, आप सब आए हैं, सबका आशीर्वाद प्यार मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग अच्छी फिल्म बना पाएंगे। और हमारे राजकुमार पांडे सर आज उपस्थित हैं हम लोग के साथ में, इनका आशीर्वाद प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है। और इनके साथ मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, तो इनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। मुन्ना भैया हैं, देव जी हैं, और कुंदन जी हैं। तो आप लोग बस आशीर्वाद प्यार दीजिए कि हम लोग अच्छी फिल्म बनाने में सफल हों। मैं भी हूँ। आप भी हो जी? हाँ। और आम्रपाली दुबे जी, जो निरहुआ चला लंदन में हीरोइन थी, और इनके पिताजी लेके चले गए इनको लंदन, और फिर मैं पहुँच तो गया हूँ, अब वहाँ से लेके कैसे आऊँगा, यही है हमारी फिल्म की कहानी, है ना सोनू भाई? तो उसके बीच में बहुत सारी बाधाएं हैं, अब उसको पार करके। और आम्रपाली जी बड़ा अच्छा उसमें एक गाना गाती हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि आम्रपाली जी वही दो लाइन सुना दें जो आप अपने सहेलियों के साथ में लंदन में गाती हैं। तो यहीं से शुरुआत हो जाएगी। वहाँ तो छठ भी मना दिया है। हाँ हाँ, लंदन में जाके थेम्स नदी पे छठ पूजा करके आई हूँ मैं।
सात समुंदर परवा से मोर यरवा अहरे सखिया यरवा अहरे सखिया अबिदा कराव निरहु मोर जोड़ी दरवा अहरे सखिया। और सीतामढ़ी से सज के कुली देवरवा अहरे सखिया देवरवा अहरे सखिया आ गोंडा जिला से राजकुमार भसुरवा अहरे सखिया। तो उसमें हम लोगों ने कोशिश किया है कि पूरा जितने मतलब हमारे ज़िले हैं और जितने यूपी बिहार से लेके मुंबई तक, और मुंबई का भी कोई एक भिवंडी से, हाँ भिवंडी का भी जिक्र उसमें रखा गया है। तो बड़ा अच्छा गाना है, बन के तैयार भी है, यहाँ कुछ है नहीं, नहीं तो मैं लगवा देता तो आप लोग सुन भी लेते। पार्ट टू का शूट लंदन में करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने जो पार्ट वन बनाया था उसमें मैं लंदन जाता हूँ इनको लाने के लिए, और जहाँ पे एयरपोर्ट तक कहानी पहुँची थी वापस लेके आने के, अब वहाँ से जो जर्नी है वापस आने की, उसके बीच में बहुत सारी बाधाएं इनके पिताजी खड़ा करेंगे वहाँ, तो उसी को पार करना है और लेके आना है इनको सात समुंदर पार। जी, आप रूपाली जी, आप क्या कहना चाहती हैं दोनों फिल्मों के लिए, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सोनू जी के साथ जब पहले हमने फिल्म की थी निरहुआ चलल लंदन, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और जब अच्छी फिल्म बनती रहती है तो उसी टाइम शूटिंग के दौरान ही आपको पता चल जाता है, तो हम सब बहुत ही पॉजिटिव थे उस फिल्म की शूट को लेके, और इस बार फिर मुझे वैसी ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है दोनों ही फिल्मों को लेकर। So I'm really very happy and I'm looking forward to shooting the films very soon. नरेश भाई, पिछली फिल्म में जो निरहुआ चलल लंदन थी, सोनू कतरी साहब उसमें निर्माता की भूमिका में थे, फिल्म में निर्देशक की भूमिका में होंगे, इनकी भूमिकाएं बदल गई हैं, आपको लग रहा है कि जिस तरह की फिल्म निरहुआ चलल लंदन थी वैसी ही फिल्म बनेगी निरहुआ चलल लंदन 2 या उससे बेहतर? मुझे लगता है उससे भी बेहतर बनेगी, क्योंकि जो हमारे सोनू खत्री भाई हैं इनके साथ जो मैंने काम किया है, जो मेरा अनुभव है इनके साथ, मतलब पहली बार भोजपुरी में मुझे ले करके और चार चार दिन पांच पांच दिन एक एक गाने की शूटिंग ये कर रहे थे, और जा करके नेपाल में सात समुंदर परवा से मोर यरवा अहरे सखिया यरवा अहरे सखिया अबिदा कराव निरहु मोर जोड़ी दरवा अहरे सखिया। और सीतामढ़ी से सज के कुली देवरवा अहरे सखिया देवरवा अहरे सखिया आ गोंडा जिला से राजकुमार भसुरवा अहरे सखिया। तो उसमें हम लोगों ने कोशिश किया है कि पूरा जितने मतलब हमारे ज़िले हैं और जितने यूपी बिहार से लेके मुंबई तक, और मुंबई का भी कोई एक भिवंडी से, हाँ भिवंडी का भी जिक्र उसमें रखा गया है। तो बड़ा अच्छा गाना है, बन के तैयार भी है, यहाँ कुछ है नहीं, नहीं तो मैं लगवा देता तो आप लोग सुन भी लेते। पार्ट टू का शूट लंदन में करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने जो पार्ट वन बनाया था उसमें मैं लंदन जाता हूँ इनको लाने के लिए, और जहाँ पे एयरपोर्ट तक कहानी पहुँची थी वापस लेके आने के, अब वहाँ से जो जर्नी है वापस आने की, उसके बीच में बहुत सारी बाधाएं इनके पिताजी खड़ा करेंगे वहाँ, तो उसी को पार करना है और लेके आना है इनको सात समुंदर पार। जी, आप रूपाली जी, आप क्या कहना चाहती हैं दोनों फिल्मों के लिए, निरहुआ चलल लंदन पार्ट 2 और दूसरी फिल्म बनवानी? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सोनू जी के साथ जब पहले हमने फिल्म की थी निरहुआ चलल लंदन, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और जब अच्छी फिल्म बनती रहती है तो उसी टाइम शूटिंग के दौरान ही आपको पता चल जाता है, तो हम सब बहुत ही पॉजिटिव थे उस फिल्म की शूट को लेकर, और इस बार फिर मुझे वैसी ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है दोनों ही फिल्मों को लेकर, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शूटिंग द फिल्म्स वेरी सून।
दिनेश भाई, पिछली फिल्म में जो निर्वाचन लंदन थी, सोनू कतरी साहब उसमें निर्माता की भूमिका में थे, जी। फिल्म में निर्देशक की भूमिका में होंगे, इनकी भूमिकाएं बदल गई हैं। आपको लग रहा है कि जिस तरह की फिल्म निर्वाचन लंदन थी वैसी ही फिल्म बनेगी निर्वाचन लंदन 2 या उससे बेहतर? मुझे लगता है उससे भी बेहतर बनेगी, क्योंकि जो हमारे सोनू खत्री भाई हैं, इनके साथ जो मैंने काम किया है, जो मेरा अनुभव है इनके साथ, मतलब पहली बार भोजपुरी में मुझे लेकर के और चार चार दिन, पांच पांच दिन एक एक गाने की शूटिंग ये कर रहे थे और जा करके नेपाल में। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।